नमस्कार सारा ओडिशा को स्वागत करुछी मु स्निग्धा आसिबा संपूर्ण खबर को पूर्णी थरे दामो राउत हटहटा न्यायालय रे पारादीप विधायक दामो राउत को विरोध करिछंती अंगनवाड़ी कर्मी दुर्नीति एवं भ्रष्टाचार विरोध रे सूचना अधिकार आईन रो भूमिका संपर्क रे नियाली हाईस्कूल पड़िया रे आयोजन होइतिला जनसमावेश एथे जोगो देथिले दामो राउत कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश नायक वरिष्ठ सांबादिक रवि दास को समेत अन्य नेतृवृंद हेले पूर्वरु अंगनवाड़ी कर्मी को संपर्क रे दामो देथिबा विवादीय मंतव्यर जवाब देबाकु एकाठी होइतिले अंगनवाड़ी कर्मी नियाली कंटापड़ा ब्लॉक रो शताधिक अंगनवाड़ी कर्मी दामोंक विरोध रे रास्ता कोल्हाइथिले हातरे प्लाकार्ड धरी शोभायात्रा करिबा सह निजर विवादीय मंतव्य पई दामो राउत क्षमा मागिबाकु दाबी करिछंती अंगनवाड़ी कर्मी मर्यादा दी शिखि ना सी कहते आम गोटे अंगनवाड़ी वर्कर आम एत कम करोट कम कला सके आमको से सम्मान देना माँ को मर्यादा देना प्रतिबद्ध करने आजा परवर्ती खबर को पश्चिमबंगर जणे युवती उद्धार घटनारे कोणार्क थाना पुलिस छह जन अभियुक्त को गिरफ्त करी समस्त अभियुक्त को कोणार्क जेएमएफसी कोर्टे हाजर पर जेल हाजत को पठाई दीजिए घटनारे अभियुक्त तुरंत गिरफ्त दावी विभिन्न अनुष्ठान पक्षर् विक्षोभ प्रदर्शन सह दावी कोणार्क गोप और रामचंडी थाना पुलिस विभिन्न स्थान में चढ़ाव कर अभियुक्त गिरफ्त कर गत 17 तारीख में कोणार्क मार्केट कम्प्लेक्स में एक बंद कोठरी में ताला भांगी स्थानीय पुलिस एवं अग्निशम कर्मचारी माने बंघीय युवती उद्धार करते सातकोशी ट्रांकुलाइज टीम को चकमा देउछी सुंदरी सबु प्लान को करुछी विफल बाघुणी को ट्रांकुलाइज करने निश्चितक टीम लगिता बेले सबुथर खसी जाउछी सुंदरी प्रथम बाघमुंडा जंगल कुमोरी एवं आज सेठार् छांचुणिया जंगल को पलायी सुंदरी को ट्रांकुलाइज करने तीन दिन ता पछरे लागिछंती विशेषज्ञ टीम छेली बंधा जाउछी मंचा हेउछी हेले धरा देउनी बाघुणी सुंदरी कब्जा को आसुनथिबारु स्थानीय लोके भयभीत अवस्था रे रहिछंती सेबडे बाघुणी को धरिबा लागि मध्यप्रदेश कान्हा ओपेंच ब्याघ्र प्रकल्पर स्वतंत्र निश्चेतक टीम आसिबे दरु तीन दिन भितर से अनुगुल पहुंचे आरसीसीएफ सुदर्शन पंडा सेबडे टाइसी गांव सुंदरी आक्रमण में जणकर मृत्यु पर होता पोड़ाजुला को कार्यानुष्ठान आरंभ कर पुलिस बुधवार जरपड़ा थाना ओगी गांव 20 जन को कोर्ट चलाण कर संपृक्त अन्य अभियुक्त को गिरफ्त करने को अनुगुल एसडीपीओ नेतृत्व में चारोटी टीम गठन कर ओडिशा तो मैंने बाघ के आगु कैप्चर हो नाला तेणुतर वाइल्ड कंडीशन में डिफिकल्ट हम कि आम तथा विशेषज्ञ दल भी मगौ मध्यप्रदेश से आस खूब जल्दी पहुंचे बाघमुंडा जंगल बाघ अच्छी आम मॉनिटरिंग टीम तीन टी ट्रांकुलाइजिंग टीम तीन टी आम वर्तमान विभिन्न जगार चारिटा टीम कराई एसपी आदेश चारिटा टीम फर्मेसन होजे लिड कर गिरफ पर झारपड़ा जेल थिबा अभिजीत आर को चारिदिनिया रिमांड नेची कोणार्क थाना पुलिस कोणार्क मंदिर संपर्क में अरुचिकर मंतव्य देवा अभियोग नारे कोणार्क थाना एक मामला रही अभिजीत को पचराउचरा सात दिन रिमांड ने कोर्टे आवेदन करथिला कोणार्क थाना पुलिस हेले कोर्ट तांकु चारिदिन रिमांड पई अनुमति देछंती सेबडे अधिक तदंत पई ट्विटर को चिट्ठी लिखी शहीदनगर थाना पुलिस आंदोलन जारी रही कोणार्क अभिजीत मामला परिचालना राज्य तथा राज्य बाहर वकिल को विरोध कर स्थानीय आईनजीवी कहते अभिजीत वकिल कहते रिमांड अवधि सर जमीन आवेदन मैंने कार्य बंद आंदोलन कर दीर्घ दुमास तेणु आमर रिजोल्यूशन हो बाहर वकिल आसने विरोध करूँ स्टेट बाहर जी वकिल आसने विरोध करूँ कौन मत कार्य कर दिजाव ना से आयर मत छाड़ी जी भी आसू आम कौन मत कार्य कर दृढ़ निष्पत्ति जी भी आसू प्रबल विरोध कर आई एम मेड अवेयर कि कोणार्क पुलिस को चार्ज को रिमांड मिला गया है तो वी विल हैव टू सी हाउ वी रिएक्ट टू दैट वी विल हैव टू उसके लिए वी विल हैव टू अप्लाई इन पुरी एंड अपोलॉजी नॉट ओनली टू द कमिटी बट टू द पीपल ऑफ ओडिशा टू द सिटीजन्स ऑफ ओडिशा बिकॉज देर वॉज नेवर एनी इंटेंशन ऑन हिज पार्ट टू कॉज हर्ट टू एनीबडी बट बाकी जो लीगल साइड है वो अलग साइड है वो हमें अपनी तरफ से देखना पड़ेगा और करते रहेंगे
पश्चिम ओडिशा हाइकोर्टर स्थायी बेंच स्थापन पर संबलपुर जिला वकिल संघ पक्ष चल आंदोलन को दुई मास पूरण हो समाधान बाट बाहर आंदोलन को समर्थन कर विभिन्न सामाजिक और श्रमिक संगठन एवं नागरिक मंच धारणा देखते तेज आज विचारपति कार्यालय को आसुवा बेले आंदोलनकारी अटकई फल विचारपति कार्यालय को जाई नपारी फेरी जाते आंदोलन जो समस्त अदालत और राजस्व कार्यालय बंद रही दावी पूरण होगा पर्यंत आंदोलन जारी रहिबा बोली वकिल संघ पक्ष हाइकोर्ट निर्दिष्ट मतामत न रखी गोटे नीरव रहा चुप रहा आद ग्रहणीय ग्रहणीय नुहे तेणु जनसाधारण बृहत्तर स्वार्थ दृष्टि आवश्यक पदक्षेप नापी आम पुनर्बार बलांगीर जिला पुलिस को मिली आउ एक सफलता टिटलागड़ जड़े कुख्यात अपराधी खुटी ओरफ लोकनाथ कुंभार घरे चढ़ाऊ कर पुलिस 37,32,170 टंका जबत कर यासह लक्षाधिक टंकार सुना और रूपा अलंकार जबत कर चढ़ाऊ बेले लोकनाथ कुंभार फेरार हो बलांगीर एसपी के शिवा सुब्रमण्यं प्रत्यक्ष तत्वावधान में चढ़ाऊ कर ठीक भाव कही पारे घर 37,32,170 टंका एवं विभिन्न बहुत गुड़े सुना अलंकार एवं रूपा अलंकार जबत अटक ना से धरा पड़ी ना तार बापा को आम पचराउचरा करें टाइम दे से पैसा पत्र सुना गहना तार बाबद तार कागज पत्र कौन अच्छे देखा आसंता 29 तारीख युक्त दुई एक्स रेगुलर छात्र छात्री फर्म पूरण आरंभ हो 2019 परीक्षा देवाक चाहूबा छात्र छात्री 29 तारीख नवंबर 3 तारीख भितर निज कॉलेज रे फर्म पूरण करेंगे से नवंबर 5 तारीख 10 तारीख मध्य 50 टंका जरिमाना फर्म फिलअप करेंगे परवर्त समय नवंबर 12 14 तारीख मध्य छात्र छात्री 350 टंका जरिमाना फर्म पूरण करेंगे एने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्ष आज विज्ञप्ति प्रकाश पाई आसंता नवंबर प्रथम सप्ताह रेगुलर छात्र छात्री फर्म फिलअप आरंभ हो ए वर्ष परीक्षार फर्म फिलअप 2019 मसीह जो वार्षिक परीक्षा अनुषित हो तापाई एक्स रेगुलर पिला फर्म फिलअप आरंभ हो यही मास 29 तारीख अक्टोबर 29 तारीख आरंभ हो विदाउट फाइन रे 3-11 नवंबर 3 तारीख पर्यंत से फर्म फिलअप चलो तापर जो माने फॉर्म फिलअप करने को चाहिए 5-10 तारीख पर्यंत नवंबर मासर 50 टका फाइन देकर करें तापर जो माने से मध्ये भीतर भी करि पारि नथिबे 350 टका फाइन दे से माने चाहिले 12-14 तारीख भितर से माने करि पारिबे फॉर्म फिलअप तेतली प्रभावित गंजाम गजपति रायगढ़ नगद अभाव को खूब शीघ्र दूर कर राज्य बैंकर्स कमिटी बैठक में सूचना देखते आरबीआई आंचलिक निर्देशक एपटे बैठक में जोगद अर्थमंत्री शशिभूषण बेहरा राज्य में अधिक बैंक शाखा खोल को सरकार पक्ष दावी रखिंट राज्य में एवं भी 70% अंचल बैंकिंग सेवा पहुंचना तेणु अधिक बैंक खोल आवश्यक अर्थमंत्री कलिंग शिक्षा साथी योजन ऋण जोगाइबाक सरकार बैठक में दावी रखिंटह मिशन शक्ति योजन स्वयं सहायक गोष्ठी को अधिक ऋण दिजा प्रस्ताव दी महिला बैंक सेवे अधिक भागीदारी करने को बैठक में गुरुत्व दी विभिन्न सेक्टर एमएसएमई एग्रीकल्चर एवं इंडस्ट्रियल सेक्टर संक्रांत में किभली भाव में बैंकिंग सेक्टर को आगे को नहीं हेब विशेष भाव में स्टैंड अप ये प्रोग्राम गुड़िक जो गुड़ाक नि जो गुड़ाक सोशल रिफॉर्मेशन गुरुत्व दि जाएगी एस एस जी वुमेन ग्रुप से 50% कंट्रीब्यूट कर टोटल पॉपुलेशन वुमेन माने स्पेशली तेणु से व्यवस्था भितर को आसबे सजेशंस रखा पुणे लघुचाप आसंता 28 राज्य में होगा वर्षा 29 उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना थिबा कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर और तार आखपाख उत्तर पश्चिम दिगरे एक लघुचाप बलय सृष्टि होइथिबारु यार प्रभाव में राज्य में आसंता 28 तारीख रु वर्षा होगा
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ପାଗ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने का संभावना है एंड उसका बाद थोड़ा डे 5 में और भी रेनफॉल होने का संभावना है। कोस्टल एरिया में मेनली मेनी प्लेसेस बारिश होने का संभावना है 29th को, तो क्योंकि 29th का अराउंड एक वेस्ट सेंट्रल बे एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे में लघुचाप होने का संभावना है। तो ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में हुई दुर्नीति अभियोग तदंतर भिन्न मोड़ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନୁହେଁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର। ଏଥିସହ 60 ଦିନ ଭିତରେ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତିରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ କୁଳାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଭାସ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଛାତ୍ରୀ ନେତା କହିଛନ୍ତି। କିଛି ବାହ୍ୟ ଚାପ ଥିବ, ତେଣୁ ପିକେ ଦାସ କାହିଁକି ମନା କଲେ? ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଖଲିକୋଟ କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ଏବେ ଆପଣ ରେଭେନ୍ସାରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ତଦନ୍ତ ହେଲା, ତାର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆରଡିସିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେବ ଏବଂ ଆରଡିସି ଠିକ୍ ରୂପେ ଆକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ହାଲ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଡିଲିଂ ସେକ୍ସନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ବବେନ ମୈତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସେ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା କିଛି ନୋଟ୍ ଏବଂ କିଛି ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରକୁ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ହାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କ ଏତଲା ପରେ ପୁଲିସ୍ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ସୁନାବେଡ଼ା ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଭବେନ ମୈତ୍ରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା 3 ଜଣ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣାବଜାର ଥାନା ସଂଗତରେ ଏକ ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭଦ୍ରକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଏହି ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଭଦ୍ରକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏବଂ ପୁରୁଣାବଜାର ପୁଲିସ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସମେତ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି କରତକଳଟି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କିପରି ଖବର ପାଇଲା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ଟିମ୍ ସେହି ଗାଁକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ମାମଲାର ତୁରନ୍ତ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଇତିନା ବେବିନା ଇଏ କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅତି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ଯାଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଆସାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମାଜରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ନାରକୀୟ ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦାବି ତ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ମିଶାଏ ତାକୁ ନିହାତି ସଜା ଦେବା ଦରକାର। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବ, ଆଉ ଘରେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ବିଷ ମିଶାଇଲା, ଆଉ ଦାବି ସେ ସଜା ପାଇବା ଦରକାର। ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତାକୁ ନିହାତି ଫାଶୀ ଚଢ଼ାଯାଉ। ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅମାନସିକ ଭାବେ ଦମନ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ବିଶେଷକରି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ନେତା
लत सिका एवं तांको समर्थकंकु रायगुडा एवं कोलाहांडी पुलिस मिथ्या मामला सह नक्सल आख्या दे हैरान करथुबा अभिजोग करिछि लोहिया एकेडमी। गतमास 20 तारीख रे मध्य एही भली भाबरे लत कड्राका एवं लत सिकाकु उठाई नै पुलिस 3 दिन धरी निर्यातना देथिबा सामाजिक सम्मेलनरी अभिजोग करा जायछि। एनै मुख्यमंत्री हस्तक्षेप लोडी एकेडमी पक्षरु एक स्मारक पत्र दिया जायछि। वर्तमान प्रेजेंट रायगढ़ एसपी एवं कलाहांडी एसपी से चाहूँ जमी आदिवासी मैंने रास्ता को जीवन कौन से प्रतिबद्ध करेनि आज शांतिपूर्ण प्रतिवाद हम तुम मार तुम्हें कहीं दधी कार्यक्रम को मार तीन दिन रखिक पिटिल मार तुम्हें कौन आंदोलन तुम कर। श्रीक्षेत्र आरंभ हो महाकार्तिक व्रत राज्यर विभिन्न स्थानु आसुवा हजार हजार हविष्याली भिड़ जमी आज सका हविष्याली तीर्थ पुष्करणी में स्नान करने बालुका पूजा सारी संकल्प करते परे राधा दामोदर को पूजा करी व्रत करिसंती हविष्याली एथसह श्रीमंदिर को जाई श्रीजी को दर्शन करने प्रसाद पाई सेबड़े सरकार हविष्याली योजन विभिन्न जिलू आसीथिबा हविष्याली नाम पंजीकरण कर गंजाम और ब्रह्मपुर अंचल हविष्याली जगन्नाथ वल्लभ खोर्धार आसीथिबा हविष्याली पौरसंस्था कल्याण मंडप और बाकी अंचल हविष्याली रेलवाई टूरिस्ट कम्प्लेक्स और कल्याण मंडप रहिबार व्यवस्था करा आज 35 दिन पर्यंत हविष्याली आश्रयस्थल रहिबा खाइबा सह श्रीमंदिर जिबाला की बस व्यवस्था करा जायछि। समस्त सब प्रकार सुव्यवस्था कराई समस्ते आसिकी आज दिन भितर समस्ते ये आराम से सेटल करजे आज आपने जा लोक बुड़ पक दर्शन कले अनवरत भाव में आम सब पखापाखि 100 स्टाफ वॉलंटियर्स समस्त सेवार नियोजित अच्छा भल भाव चली तुलसी पूजा कलु आग ये कलु मंत्र नेलु आग ये कर सब लुगापड़ा मंत्री सब आज सब ये कर हाँ व्रत आरंभ है कार्तिक व्रत जगन्नाथ को दर्शन कर बस पठाई भल सुविधा हो बहुत आदर स्नेह रही समस्त आमपाई सहानुभूति बढ़िया आम को मानुन आम को भक्ति करमको भल रखी आम को गाड़ी में नहीं माँ बाबा दर्शन करके आणुचण आम जन्म जन्म सुझीप। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे हविष्याली शिविर शुभारंभ कर सचिवालय सीधासख शिविर शुभारंभ करते मुख्यमंत्री यह अवसर में हविष्याली सीधासख से कथबार्ता करविधा असुविधा और शिविर होता व्यवस्था संपर्क में पचारि बुझिते कार्तिक व्रत पुरी में 4 स्थान में हविष्याली शिविर कर राज्य सरकार एथिरे 2600 हविष्याली मागणा रहा खाइवा और पूजापाई व्यवस्था कर आपन मानक कार्तिक व्रत राज्य सरकार पक्षर बहुत भल व्यवस्था करी रहा और महाप्रभु को दर्शन ठारु आरंभ कर महाप्रसाद पाइबा पर्यंत सब सुविधा। कार्तिक व्रत पर एक आम क्षेत्र में लगी हविष्याली भिड़ सेपटे बिंदुसगर स्नान सारी चौरा मूले एकत्र कर पूजार्चना जोटी चेता पकाई राई दामोदर पूजा कर फलमूल भोग नहीं पूजा करसे भितर श्रेष्ठ होतीक तेणु यहीसजाक पर दूर रही भगवान नामस्मरण कर हविष्याली श्रीक्षेत्र भकाम क्षेत्र में मसजाक हविष्याली पूजार्चना चले संकल्प तो बामणा आसब चौरा पाखर संकल्प करी संकल्प सरगला आसिक घर दियं पूजा हे घर दिय पूजा सरले जा चौरा पाख को चिता पड़ो समस्ते ठाकुर ने चौरा पाखर बस बसईक भोगराग सब हम बई बुला ये हूँ शिव विष्णु उपासना शिव जो जलंधर को मारे कार्तिक मसरे तुलसी देवी विष्णु बाहा सेवार शिव नारायण जगन्नाथ हूँ क्षेत्र अनुगुल पूर्ण पारंपरिक रीतनीति उत्साह उद्दीपना सह पालन होउछि गजलक्ष्मी पूजा आज बड़ी भोर में माता चक्षुदान जीवन्यास पूजा करा जायथिला 10 दिन धरी धनदात्री पूजा अर्चन प्रकम्पित हेब पूरा सहर एवं उपकंठ अंचल एथर पाणीपाग भल थिबारु विपुल श्रद्धालु समागम हेब बोली आशा रखिछन्ति पूजा आयोजक एथर अनुगुल नालको नगर बनरपाल और छेंडीपदा आदि स्थान में 61 मंडप पूजा पाउछन्ती मां लक्ष्मी केवल अनुगुल 33 मंडप भव्य पूजा आयोजन केउंटी धनलक्ष्मी तो आउ केउंटी गजलक्ष्मी एवं
ଅନ୍ୟଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରତିମା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲମଲ ହେଉଛି ପୁରା ସହର। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଲିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏବଂ ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ୍। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର। ସହରର ଚାଳିଶଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ପୁରା ସହର। ଦୀର୍ଘ 10 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ସହରକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଯାଇଛି। ଗଣେଶ ବଜାର, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବାଜି ଚୌକ, ଜବାହର ଚୌକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପଲିସ୍ରୀ ମେଳାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପୂଜାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 18 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଥିରେ ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ news18india.com। ନମସ୍କାର।